पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी पाकिस्तान के 13वें सदर मुंतखब हो गए हैं। पंजाब असम्बली में कुल 351 वोट कास्ट हुए, 18 वोट मुस्तरद हुए। एतजाज अहसन को एक वोट मिला, जबकि मौलाना फजलुर रहमान को 25 वोट मिले, आरिफ अलवी को 33 वोट मिले और ऐसे में वो कामयाब हुए। गैर सरकारी नतीजा आपके सामने है। नव मुंतखब सदर आरिफ अलवी जिनको वोट मिले हैं 33 वोट और ऐसे में मुख्तलिफ जमातों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कैंडिडेट थे मौलाना फजलुर रहमान, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एतजाज अहसन कैंडिडेट थे। तो एतजाज अहसन को एक वोट मिला है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान की बात की जाए तो उनको 25 वोट मिले हैं। पंजाब असम्बली के गैर सरकारी नतायज आपके सामने हैं। पीटीआई के आरिफ अलवी पाकिस्तान के 13वें सदर मुंतखब हुए हैं और ऐसे में पंजाब असम्बली में कुल 351 वोट कास्ट हुए हैं। उन 351 वोट में से मौलाना फजलुर रहमान को 25 वोट मिले हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कैंडिडेट थे, और 18 वोट मुस्तरद हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। एतजाज अहसन जो सेनेटर भी रह चुके हैं उनको एक वोट मिला है और ऐसे में आरिफ अलवी की बात की जाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, गैर सरकारी नतायज के मुताबिक 33 वोट उनको मिले हैं और ऐसे में वो पाकिस्तान के 13वें सदर मुंतखब हो गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी पाकिस्तान के 13वें सदर मुंतखब